स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं जॉर्डन मेथड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, और इससे पहले मैं आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड बता चुका हूं कि कैसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती है उसको यहां पे सॉल्व करते हैं। और ये एक डायरेक्ट मेथड है, यहां पे डायरेक्ट मेथड के अंदर दो मेथड्स आते हैं, वन इज गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड सेकंड वन इज गॉस जॉर्डन मेथड। और स्टूडेंट इससे पहले न्यूमेरिकल क्लासेस के अंदर मैं काफी सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, यहां पे आई टिप पे आ रहा है जहां पे मैं न्यूटन रैफसन मेथड, इटरेशन मेथड है, देन और भी जो मेथड लाइक सिकेंड मेथड है, रुगला फालसी मेथड है, ये सभी मेथड्स मैं अपलोड कर चुका हूँ। प्लस इससे अलावा इंटरपोलेशन से रिलेटेड टॉपिक है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, ये सभी टॉपिक्स भी आप यहाँ पे आईटी पे जाके देख सकते हैं। और अगर स्टूडेंट आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं तो आपके भी बहुत ही लाइक जो वीडियोज़ हैं, लाइक जो आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक्स हैं उन पर भी काफ़ी सारे वीडियोज़ यहाँ पे अपलोडेड है, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले, सो दैट क्या मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं उन सबके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे गॉस जॉर्डन मेथड क्या होता है। This method is modification of Gauss elimination method. देखो ये Gauss elimination method जैसा ही होता है, पर ultimately change क्या होता है ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। Like अगर आपके पास कोई भी equation दे रखी है, मैं आपके सामने ये equation लेता हूँ, कुछ भी equation लेते हैं like x plus 2y plus 3z is equal to 7 and then 2x plus 4y plus 5z is equal to 9, या फिर हम ले लें यहाँ पे 4x plus 7y प्लस 8z इज इक्वल टू 10, ये आपके पास इक्वेशन दे रखी है। तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, लाइक इसका जो आर्ग्यूमेंट फॉर्म होता है ना वो क्या होता है 1, 2, 3, 2, 4, 5 एंड देन 4, 7, 8, देन या डबल डॉट इस तरह से हम लेते हैं, देन या लिखते हैं 7, 9, 10। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे है ना, हम यहाँ पे इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, लाइक हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं और यहाँ पे लाइक जो भी लाइक यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं है ना। और फिर लास्ट में जैसे कन्वर्ट करेंगे लाइक यहाँ पे भी कन्वर्जन आएगा, देन हम वापस यहाँ पे लिख देते हैं एक्स वाई जेड, देन यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी हमारे पी क्यू आर आएगी है ना, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 0 0 0, फिर वापस हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख देते हैं। इक्वेशन फॉर्म में लिखने के बाद यहाँ पे जैसे आप इक्वेशन बनाओगे तो क्या आएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू पी, देन डी वाई प्लस ई आर डी वाई इज जेड इज इक्वल टू क्यू एंड एफ जेड इज इक्वल टू आर, ये हमारा होता है। देन यहाँ से हम जेड की वैल्यू निकालते हैं आर बाय एफ, ये जेड की वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं तो यहाँ से हमें वाई की वैल्यू मिलती है, देन वाई और जेड की वैल्यू उठा के रखते हैं तो हमें एक्स की वैल्यू मिलती है। ये मेथड होता है गॉस एलिमिनेशन मेथड। पर स्टूडेंट गॉस जॉर्डन मेथड में क्या फर्क होता है, पूरा क्वेश्चन डिक्टो चलता है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करते हैं, पर गॉस जॉर्डन मेथड में हम क्या करेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और यहाँ पे भी जीरो लेके आएंगे, लाइक हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा, आपको ये सीधा सीधा लाइक सीधा आपको एक्स की वैल्यू जेड की वैल्यू मिल जाएगी, वाई की वैल्यू मिल जाएगी और एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, बस ये फर्क होता है गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड में। तो मैं आपको फिर से बता दूं, गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं, गॉस जॉर्डन मेथड में हम क्या करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। तो मैं अभी आपके सामने एक एग्जांपल लूंगा और उससे आपको समझाने की कोशिश करूंगा किस टाइप से इस ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते। तो हमारे पास क्वेश्चन है अप्लाई द गॉस जॉर्डन मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 एंड 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 13 एंड 3x प्लस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 40। इसको सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे इसको गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 13 एंड 3x प्लस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 40। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, लाइक हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं देखिए आप इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस b वाले, तो सबसे पहले इसकी मैट्रिक्स बना देता हूँ, यह आएगा 1 1 1 देन यह आएगा 2 माइनस 3 4 है ना, देन यह आएगा आपके पास 3 4 5 एंड देन यह आएगा आपके पास एक्स वाई जेड और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9 13 एंड 40, ठीक है। इस मैट्रिक्स को हम लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी है ना, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट एग्यूमिनेट मैट्रिक्स लिखेंगे ए डबल डॉट बी है ना, क्योंकि हमें पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा डायगोनल मैट्रिक्स में, तो ए डबल डॉट बी इसको बोलते हैं एग्यूमिनेट मैट्रिक्स। ये क्या आएगा 1 1 1 देन 2 माइनस 3 4 देन यह आएगा 3 4 5 देन यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, ये आएगा 9 13 एंड
40, क्लियर? देन हम मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पहली स्टेप होगी वो ये होगी कि इन, देखो मैं स्टेप बता देता हूँ आपको क्या करेंगे आप। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स दे रखी है आपको, यहाँ पे इन दोनों को जीरो बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट, है ना? तो लाइक आपको क्या करना है, इन दोनों को जीरो बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस, तो यहाँ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो स्टूडेंट ये हमारा आर टू है, ध्यान दीजिए इस आर टू में टू से मल्टीप्लाई करके, इसको टू से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं, मतलब क्या होगा स्टूडेंट, आर टू माइनस टू आर वन देन आर थ्री, देखो आर थ्री क्या है, थ्री है, इसको थ्री से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें तो ये आएगा आर थ्री माइनस थ्री आर वन, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट देखिए कैसे हम ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, ये आएगा वन 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 नाइन, देन आर टू कितना है हमारे पास, यहाँ पे आर टू दे रखा है हमारे पास टू, है ना, मैं इसको ट्रांसमिशन लगा रहा हूँ, ये आएगा टू माइनस थ्री फोर एंड थर्टीन, माइनस टू आर वन माइनस टू माइनस टू माइनस टू एंड माइनस का एटीन, तो यहां से वैल्यू आएगी आपके पास जीरो माइनस फाइव टू एंड माइनस फाइव, क्लियर? ये हमारी वैल्यू आएगी। देन उसके बाद स्टूडेंट हम एक और ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे इसके ऊपर, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आर थ्री, है ना, क्या लिखा हुआ है आर थ्री, सो आर थ्री कितना है हमारे पास थ्री फोर फाइव एंड फोर्टी और माइनस थ्री, लाइक थ्री से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो थ्री 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 एंड माइनस का 27, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी जीरो वन, देन यहाँ से आपके पास आएगा टू एंड देन इसको इससे माइनस किया तो कितना आ रहा है स्टूडेंट 13 आ रहा है, ठीक है? अब अगली जो स्टेप होगी उसके अंदर क्या होगा, जो नेक्स्ट स्टेप होती है हमारी उसके अंदर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जो सेकंड स्टेप होती है उसके अंदर हमारा काम ये होता है, क्योंकि हमें इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लाइक डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, तो सेकंड स्टेप होगी इसमें यहां जीरो बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट, मतलब ये हुआ कि जो माइनस फाइव है इस माइनस फाइव की हेल्प से यहां और यहां जीरो बनाएंगे हम। तो कैसे करेंगे देखिए आप लोग, यहां पे ये हमारा रो नंबर वन है, इस रो नंबर वन में हमें जीरो बनाना विद द हेल्प ऑफ दिस फाइव, तो मैं काम करूं इसको फाइव से मल्टीप्लाई करूं उस पूरी लाइन को, तो यहां फाइव हो जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम यहां पे फाइव आर वन प्लस आर टू, मतलब पांच से मल्टीप्लाई कर दे इसको एंड देन इसको ऐड कर देंगे तो यहां अपने आप क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। सेम काम स्टूडेंट यहां पे भी हमें जीरो बनाना है ना, तो ये R3 लाइन है इसमें जीरो बनाना है, तो क्या करेंगे हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, हमें इन दोनों को जीरो बनाना है। एक्चुअली मुझे इसको सर्कल में ना लिखना चाहिए, मुझे इन दोनों को सर्कल में लिखना चाहिए क्योंकि मुझे इसकी हेल्प से भी जीरो बनना है, ठीक है? तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट यहां पे क्या होगा, ये 5R3 और फिर उसके अंदर हम क्या करें R2 को जोड़ दें, क्योंकि माइनस फाइव यहां 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 बनेगा देन इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है? तो वही काम आप करेंगे यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट कैसे होगा, ध्यान दीजिए इधर हमारी जो बीच वाली लाइन है जिसके अंदर चेंज नहीं हो रहा उसको आप एज इट इज लिख दीजिए, मतलब सेकंड नंबर की लाइन में कोई चेंज नहीं हो रहा है इसको एज इट इज लिखेंगे हम। देन स्टूडेंट देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैं ये वाला ट्रांसमिशन लगा रहा हूं, तो 5 से कर रहे हैं, यहाँ क्या होगा 5 5 5 एंड देन 45, है ना, फिर इसको हम ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा 0 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 5, तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ वैल्यू हो रही है, क्या हो रही है भैया 5 हो रही है, ये 0 हो रही है, ये 7 हो रही है और ये हमारे पास कितनी हो रही है 40 हो रही है, ठीक है जी? देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें इस R3 में चेंज करना है, तो R3 में क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो क्या होगा हमारे पास ये 0 आएगा, ये आएगा 5, ये आएगा 10 और ये आएगा 65, देन प्लस करेंगे इसको दिया आएगा प्लस 0 माइनस 5 प्लस 2 एंड माइनस का 5, तो स्टूडेंट आपके पास जो वैल्यू मिलेगी वो आएगी 0 0 12 एंड देन अगेन दिस इज 60, राइट? अब स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो क्या होगी, ध्यान दीजिए आप, आपकी जो नेक्स्ट स्टेप होगी उसमें क्या करेंगे हम, देखो यहां दो जीरो बना दिए, यहां दो जीरो बना दिए, अब हमें इसको डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, तो यहां पे दो जीरो बनाएंगे, मतलब हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होगी मैं एक्चुअली यहां लिख देता हूं, सो जो अगली स्टेप होगी उसके अंदर हमारा क्या होगा स्टूडेंट, हम यहां पे दो जीरो बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है ना? तो हम यहां पे क्या करेंगे, मतलब इसको और इसको जीरो बनाएंगे, है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट, क्लियर है? तो वही काम करने वाले हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम, सबसे पहले मैं R2 की बात करता हूं, स्टूडेंट इस R2 में 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 टू 12 और इसको माइनस कर दूंगा तो अपने आप जीरो हो जाएगा, तो यहां पे मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूं R2 पे सबसे पहले, तो क्या होगा R2 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और R3 को क्या कर देंगे भैया माइनस कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई किया R3 को माइनस किया, सिंपल क्वेश्चन। फिर हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए अब क्या करेंगे आप, यहां पे R1, अब देखो R1 में यहां पे क्या दे रखा 7 दे रखा है ना और यहां 12 दे रखा, तो अब इसको जीरो करना मुश्किल है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब 7 यहां है तो 7 को इससे मल्टीप्लाई करिए, 12 को इससे मल्टीप्लाई करिए, है ना, तो 7 12 कितना होता है, 7 12 यहां पे होता है 84, है ना, तो ये 84 होगा और ये भी 84 होगा, 84 को 84 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो लाइक हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए ये R1 है, इस R1 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, माइनस का क्या करेंगे 7 R3 करेंगे, है ना, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया
माइनस को 7 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से देखो कुछ बुक में यहाँ पे क्या कर रखा है, लाइक डिवाइड करके समथिंग कुछ करके देन उसको सिंप्लीफाई करके, आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, इससे भी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए इधर, तो जो लाइन में चेंज नहीं कर रहे हैं उसको एज इट 0, 0, 12 और 60, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे इसको एज इट इज लिख दीजिए आप, है ना। देन आप देखो सबसे पहले हम आर वन की बात करते हैं, आर वन में किससे मल्टीप्लाई करें, 12 से मल्टीप्लाई करें, है ना। तो ये कितना आएगा 60, ये आएगा 0, है ना, और ये आएगा 84, है ना, एंड देन ये आएगा 480 माइनस, है ना, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 0, माइनस का 0, माइनस का 84 और इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो ये आएगा माइनस का 420, है ना, 420, ठीक है ना, 67 ना, सचिंग मेल 420 इज ओके, ओके। सो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, ये आएगा 60, है ना, फर्स्ट लाइन की बात कर रहे हैं, ये 0, ये 0 एंड देन यहाँ पे आपके पास कितनी आएगी, ये भी 60 वैल्यू आ रही है, ठीक है। नाउ सेकंड लाइन की बात करते हैं, देखो सेकंड लाइन में क्या होगा स्टूडेंट, है ना, लाइक सेकंड लाइन को अब करना है, अभी हमने किसको कन्वर्ट किया, आर वन को। अब नेक्स्ट आर टू की बात करते हैं, आर टू में क्या करें स्टूडेंट, 6 से मल्टीप्लाई करना आर टू लाइन को, तो इस आर टू लाइन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 आ रहा है, ये माइनस का 30 आ रहा है, ये 12 आ रहा है और ये माइनस का 30 आ रहा है, ठीक है जी। माइनस का आर थ्री कर दीजिए आप, तो ये आएगा माइनस का आर थ्री, दैट इज माइनस का 0, माइनस का 0, माइनस का 12 एंड माइनस का 60, ठीक है। तो भैया वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 0 आ रही है, माइनस का 30 आ रही है, 0 आ रही है एंड माइनस का 90 आ रही है, ठीक है। बस ये आपको काम करना है, जैसे ये वाला काम करेंगे आपका क्वेश्चन खत्म है स्टूडेंट। हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे ये वाली जो मैट्रिक्स थी, ए वाली मैट्रिक्स, इसको हमने क्या कर दिया, डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब इस इक्वेशन को वापस इस फॉर्म में, लाइक इस फॉर्म को हमने इसमें लिखा, अब इसको वापस उस फॉर्म में लिख दीजिए। तो जैसे ही मैं इसको फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा, देखिए आप लोग यहाँ पे ये यह आएगा आपके पास, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 60 0 0 0 माइनस 30 0 0 0 12 एंड देन ये आएगा आपके पास एक्स वाई जेड, देन ये आएगा आपके पास 60 90 60, ठीक है। अब इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो चूंकि वहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको, तो स्टूडेंट हमारी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 60x, ये दोनों तो जीरो हो गए, इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास, 60 आ रहा है, इट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 1, देन नेक्स्ट आएगा हमारे पास 30y, देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0, 30y, है ना, ये पूरी लाइन इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 30y हो जाएगा और ये 0 है, ठीक है ना। इज इक्वल टू किसके बराबर हो रहा है, माइनस के 90 के बराबर हो रहा है, तो स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 3 आएगी। इसी टाइप से नेक्स्ट जो अगला इक्वेशन है वो क्या आएगा आपके पास, 12z इज इक्वल टू 60, इट एम्प्लाइज z इज इक्वल टू कितना आएगा, 5, तो हमारा जो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 5, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब स्टूडेंट क्या हो गया, आपका एग्जाम में आंसर आ गया, इतनी मेहनत करके आपने आंसर निकाला, लास्ट में आपको चेक करने की इच्छा है कि यार भैया ये आंसर सही है या फिर गलत है, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। आप कैसे चेक करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दीजिए, है ना, एक्स की जगह 1 रखिए, है ना, मतलब 1 रखता हूँ, y की जगह 3 रखिए और z की जगह 5 रखिए, देखो 9 आ रहा है, मतलब ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो हम बकायदा इसको चेक करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही है या फिर गलत है। स्टूडेंट एक क्वेश्चन और लूंगा फिर इस टॉपिक को हम फिनिश करेंगे, देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे, अप्लाई द गॉस जॉर्डन मेथड एंड सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 10x plus y plus z is equal to 12, 2x plus 10y plus z is equal to 13 and x plus y plus 5z is equal to 7. तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, लाइक 10 1 1 देन फिर 2 10 1 एंड देन 1 1 5, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं सबसे पहले x y z और यहाँ आ जाएगा आपके पास 12 13 एंड 7, ठीक है। देन हम इसको लिखेंगे यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू बी, है ना, देन हम इसकी ए बी मैट्रिक्स लिखेंगे, है ना, तो ए बी मैट्रिक्स में क्या होगा लिख दो इसको, क्या आएगा 10 1 1 12 देन ये आएगा 2 10 1 13 देन ये आएगा 1 1 5 एंड देन 7, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए इधर, नाउ अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने आपको ये बोला था कि जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारा जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि इन दोनों को जीरो बनाए विद द हेल्प ऑफ दिस, पर यहाँ कॉर्नर पे अगर वन हो तो बहुत अच्छा है, पर यहाँ कॉर्नर पे 10 है 1 नहीं है, पर 1 या नीचे, तो हम इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो रो नंबर 1 है ना, उसको इंटरचेंज करता हूँ रो नंबर 3 से, है ना,
मैं इस रो नंबर 3 से, क्योंकि इक्वेशन है, देखो इस इक्वेशन को ऊपर नीचे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हम कॉलम नहीं लगा सकते यहाँ पे, है ना। कॉलम किस लिए लगा सकते, क्योंकि एक्स वाई हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए, है ना। इक्वेशन को ऊपर नीचे लिखा जा सकता है, मतलब रो को इंटरचेंज किया जा सकता है, क्लियर है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे रो में आप जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चाहें लगा सकते हैं, कॉलम का एक भी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ नहीं लगेगा, ये ध्यान देना। क्योंकि रो में इक्वेशन ऊपर नीचे हो सकती है, बट कॉलम इधर उधर नहीं हो सकता है ना। कॉलम इधर उधर हो गया तो एक्स वाई हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा ना, तो वो नहीं होना चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट, यहाँ पे हम आर वन को आर थ्री में चेंज करेंगे, क्योंकि हम यहाँ वन बनाना चाहते हैं। तो ये क्या होगा, देखिए आप यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू, ये वन ऊपर जाएगा तो ये पूरी लाइन हो जाएगी वन वन फाइव सेवन, देन यहाँ आएगा आपके पास टू टेन वन एंड थर्टीन, देन ये आएगा आपके पास टेन वन वन एंड ट्वेल्व। स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम इन दोनों को जीरो बनाएंगे। सबसे पहले स्टेप में मैंने बोला कि यहाँ दो जीरो बनेगा विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। तो हमारे पास जो ट्रांसमिशन होगा वो आएगा आर टू, आर टू माइनस टू आर वन, एंड अगला जो ट्रांसमिशन होगा आर थ्री, आर थ्री माइनस टेन आर वन होगा, है ना। मतलब टू से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो जीरो बन जाएगा, इसको टेन से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये जीरो बन जाएगा, क्लियर है। तो देखिए आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, वन वन फाइव एंड सेवन। स्टूडेंट यहाँ पे क्या, आर टू कितना है हमारे पास टू टेन वन थर्टीन, इसको टू से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो माइनस का टू, माइनस का टू, माइनस का टेन, माइनस का फोर्टीन, ये आएगा जीरो एट, माइनस का नाइन एंड देन माइनस का वन, है ना। फिर हम इस पर लगाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन, तो आर थ्री कितना है स्टूडेंट टेन वन वन ट्वेल्व, माइनस का टेन करेंगे तो माइनस का टेन, माइनस का टेन, माइनस का फिफ्टी एंड माइनस का 70 होगा, है ना, बिकॉज 70 माइनस हो रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 10, ये आएगा आपके पास माइनस का 9, है ना, और ये आएगा आपके पास 50, तो माइनस का 49, एंड देन यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी लाइक 60 एंड देन 58, क्लियर, और माइनस का 58, ये हमारी वैल्यू आएगी, क्लियर। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको और इसको जीरो बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एट, है ना। तो हमारे जो ट्रांसफॉर्मेशन होंगे वो क्या लगेंगे, देखो अगली स्टेप में, लाइक अब मैं आर वन को जीरो बनाना चाहता हूँ, मैं अगली स्टेप में यहाँ पे दो जीरो बनेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस, मतलब यहाँ पे दो जीरो बनेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। तो आर वन को जीरो बनाना, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, आठ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको इससे माइनस कर दो, तो ये आएगा एट आर वन माइनस आर टू हो जाएगा, तो जीरो बन जाएगा। एंड देन यहाँ देखिए आर थ्री, है ना, इस आर थ्री को जीरो बनाना है विद द हेल्प ऑफ आर टू, तो हम क्या करें, इसको एट से मल्टीप्लाई करें इसको नाइन से और एड कर दें, है ना। तो वही सेम कंसेप्ट हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो R3 थ्री यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, ना एट आर थ्री प्लस नाइन आर टू, जैसे ये काम करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। तो एट आर थ्री, है ना, प्लस नाइन आर टू, तो ये जीरो बन जाएगा। तो आर टू लाइन, आर थ्री लाइन भी क्या बन जाएगी आपकी, जीरो बन जाएगी। देखो कैसे होगा, ध्यान दीजिए आप, ये बीच वाली जो लाइन है इसको आप एज इट इज रखेंगे माइनस वन, है ना। देन यहाँ पे क्या होगा, एट आर वन, है ना, लाइक एट से मल्टीप्लाई करी तो आएगा एट एट 40 एंड 56, है ना, है ना, 8 8 40 एंड देन 56, देन माइनस का टू करेंगे तो माइनस का 0, माइनस का 8, प्लस का 9 एंड देन प्लस का 1 हो जाएगा, ये क्लियर है। तो ये होगा हमारे पास वैल्यू, दिस इज 8 एंड देन 0, देन ये आएगा 49, देन ये आएगा 57, क्लियर। नाउ अगली स्टेप में आप यहाँ पे वो काम करेंगे, है ना, तो लाइक क्या होगा, 8 आर थ्री, तो वही आर थ्री में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0, है ना, माइनस 72 एंड देन इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो स्टूडेंट ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन हम लगाएंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 0 और ये आएगा आपके पास माइनस का 473 और ये भी आपके पास आएगा माइनस का 473, है ना। लाइक अब ये जो इधर भी 473 आ रहा है, इधर भी 473 आ रहा है, तो एक काम करते हैं, ये जो आर थ्री वाली लाइन है, इस आर थ्री वाली लाइन में 473 से डिवाइड, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा तो 1 1 हो जाएगा, तो लाइक अपने लिए कैलकुलेशन थोड़ी ईजी पड़ जाएगी ना। तो ये आएगा 8 0 49 57, है ना, देन ये आएगा 0 8 माइनस 9 माइनस 1, है ना, देन ये आएगा माइनस का 473 से कर दो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 0 0 1 0 1 सॉरी। देन हम क्या करेंगे, हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा ये काम होता है नेक्स्ट स्टेप में कि इसको और इसको जीरो बनाए विद द हेल्प ऑफ दिस, मतलब आप इसको और इसको जीरो बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस, है ना। तो वही काम हम यहाँ करने वाले हैं स्टूडेंट। तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, आर वन, आर वन माइनस 49 आर थ्री, है ना भैया, इन 49 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, जीरो बन जाएगा, है ना। एंड आर टू यहाँ पे वही होगा, क्या होगा, देखो यहाँ पे 9, ये आर वन है, इस प्लस 9 आर थ्री कर दें, 9 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दें, इसको 9 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो जीरो बन जाएगा, है ना। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, लास्ट वाली लाइन में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इस लास्ट वाली लाइन को आप एज इट इज रख दीजिए,
है ना, देन यहाँ पे इसको निपटाएंगे सबसे पहले, तो ये आएगा जीरो, यहाँ से आप ये 80 रहेगा है ना, 9 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये जीरो हो जाएगा है ना, और आपने 9 से इसको मल्टीप्लाई किया उसको ऐड करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 8 है ना, क्योंकि माइनस 1 प्लस 9 प्लस का 8 बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ इसको करेंगे आप, ये तो 80 आ रहा आपके पास, ये जीरो आ रहा, और 49 को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो जीरो होगा, 49 माइनस का 49 प्लस का 57 दैट इज अगेन 8 है ना, और ये प्लस का 8 आएगा, क्लियर है। अब हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे हम इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं इसको है ना, तो लाइक अब हमारे पास जो आएगी इक्वेशन वो फॉर्म क्या आ जाएगी, लाइक आप लिख सकते हो इसको, मैं सीधा लिख सकता हूँ है ना, आप इसको लिखोगे तो ऐसे भी आएगा कि 8x इज इक्वल टू 8 आएगा, तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1, ये आएगा हमारे पास 8y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 1 है ना, एंड यहाँ पे जो अगला आएगा वो आएगा 1z इज इक्वल टू 1, सो z इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 1। आप चेक करना चाहते हैं कि यार आपका आंसर सही है गलत है, तो जहाँ पर x है वहाँ 1, जहाँ y है वहाँ 1, जहाँ z है वहाँ 1 रखिए, तो 10 प्लस 1 प्लस 1 यस 12 इज राइट, यहाँ भी आप 1 रख के देखिए, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, और ये डायरेक्ट मेथड होता है जिसके अंदर गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट इसके बाद में आपके जो इनडायरेक्ट मेथड है जिसके अंदर जैकोबी मेथड है और गॉस आइडियल मेथड है वो मैं आपके सामने, और एक एल यू डिकम्पोजिशन मेथड है वो भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो मुझे लगता है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, इस तरह से मैं जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स और जो स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक CSR NET या फिर ITJEE की तैयारी कर रहे हैं, गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और ये आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करेगा। सो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें सो देट कि मुझे पता पड़े कि मेरा जो कंटेंट है वो आपको रियली हेल्प कर रहा, या कहीं आपको लगता है कि टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके वो मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, बने रहिए मेरे साथ, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।